हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, आज के शैक्षिक समाचार शुरू करते हैं। शिक्षण सत्र के पहले दिन ही करें पुस्तकें वितरित, शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश में 1,00,000 व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षक, प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के नए नियम बने, नई नीति। तबादलों की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई, पता नहीं तबादले कब होंगे। 43.1 डिग्री पर तपी राजधानी, स्कूलों की 12:30 बजे छुट्टी। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश, 1 मई से बदलेगा समय। प्रिंसिपल हेडमास्टर के भी होंगे तबादले, गाइडलाइन फाइनल नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रिंसिपल और हेडमास्टर के स्थानांतरण भी किए जाएंगे। गर्मी ने झुलसाया, जयपुर पाली में स्कूलों का समय 2 घंटे तक घटाया, तपती धरती। इधर जोधपुर में कम दबाव के असर से बूंदाबांदी, तपिश बरकरार। भू लेखा कर्मियों की भुगत रहे गुरुजी सजा, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 2 वेतन श्रृंखला। तो जेई मेंस के अंकों के अनुरूप होंगे दाखिले, फिर भी खाली रहती है सीट। अब ऑनलाइन करना होगा छुट्टी का आवेदन, 21 मई से लागू की जाएगी व्यवस्था। सरकारी कार्मिक अब तक सादे कागज पर देते थे आवेदन। सहायक अभियंता के 913 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज से, आज तय होगी परीक्षा की तिथि। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं के 913 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। मदरसे में पढ़ी छात्राओं ने बोली फराटेदार अंग्रेजी। प्रिंसिपल हेडमास्टर के भी होंगे तबादले, गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई। प्रतिनियुक्तियों के चक्कर में पढ़ाई ठप, शिक्षा विभाग में चल रहा खेल। सुविधाओं के लिहाज से निजी को टक्कर दे रहे सरकारी विद्यालय, विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार, स्मार्ट क्लास सैटेलाइट से शिक्षण खेल मैदान पर ज्यादा फोकस। 2,686 स्कूलों में 15 से कम बच्चे, बंद करें या नहीं, असमंजस में सरकार। मन की बात में पीएम की छात्रों से अपील, गर्मी की छुट्टियों में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े मिलेंगे अंक। यूपी बोर्ड रिजल्ट, 10वीं और 12वीं दोनों में बेटियों ने मारी बाजी। यूपीएससी ने निकाली 120 पदों पर भर्ती। ये थे दोस्तों आज के मुख्य शैक्षिक समाचार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।